नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और यह है सैमसंग गैलेक्सी M51। दोस्तों इसमें आपको वन यू आई कोर 3.1 का अपडेट मिल चुका है एंड्रॉइड 11 के साथ। तो हमें जो लगता था वन यू आई फुल मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको कोर ही मिला है। अगर आप जाओगे अबाउट फोन में, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में, आप यहाँ पे देख सकते हो वन यू आई कोर 3.1 एंड्रॉइड 11। और यहाँ पे जो नॉक्स सिक्योरिटी जो वर्जन है, नॉक्स वर्जन, वो भी अपडेट हुआ है। जो पहले 3.5 था, अब यह 3.7 हुआ है। और इसके अलावा जो सिक्योरिटी पैच लेवल है, वो 1 मार्च 2021, ये लेटेस्ट यहाँ पे अपडेट हो चुकी है। अगर बात करेंगे कुछ नए फीचर्स की, तो आपको यहाँ पे एज पैनल मिल जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसके अलावा आपको यहाँ पे जो एज लाइटिंग है वो भी मिल जाता है। इसके लिए आपको जाना है नोटिफिकेशन में, और फिर आपको यहाँ पे ब्रीफ को सिलेक्ट करके जाना है यहाँ पे ब्रीफ पॉपअप सेटिंग्स में। आपको यहाँ पे मिल जाता है एज लाइटिंग स्टाइल। आप यहाँ पे जो एज लाइटिंग स्टाइल है नोटिफिकेशन के लिए, वो यहाँ पे इनेबल कर सकते हो। इसके बाद गैलरी में कुछ दो तीन फीचर्स नए ऐड किए गए हैं। कैमरे में भी दो तीन नए फीचर्स ऐड किए गए, जैसे आप सिंगल टेक को यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हो। आपको कौन से जो फिल्टर्स है या कौन से जो शॉट्स है वो कैप्चर करने, उन्हें आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो। इसके अलावा अगर बात करेंगे कौन कौन से फीचर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन हमें नहीं मिले, तो यहाँ पे अब तक 4G+ का सपोर्ट नहीं मिला है। मतलब अभी तक यहाँ पे कैरियर एग्रीगेशन को इनेबल नहीं किया है। अगर आपको ये चेक करना हो, तो आप डायल पैड में जाके *0011# करोगे डायल, तो आपको SIM1 पे जाना है। और फिर आप यहाँ पे देख सकते हो CA लिखा होगा, CA नॉट कॉन्फिगर्ड, मतलब अभी तक इसमें CA को इनेबल नहीं किया गया है, 00 है। अगर 11 होता, इसका मतलब है कि CA कॉन्फिगर्ड किया होता। तो अभी तक इसमें कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट नहीं मिलता है आपको, तो ये काफी डिसअपॉइंटिंग है। मुझे लगा भले वन यूआई फुल तो नहीं मिलेगा, लेकिन सैमसंग पे और कैरियर एग्रीगेशन तो मिलना ही चाहिए। अगर बात करेंगे सैमसंग पे की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने हालांकि इसे डाउनलोड किया है, ये अब इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन इस तरह से ये 1 घंटे से यही प्रोसेस चल रही है, अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है। और यहाँ पे गुड लॉक का भी सपोर्ट आपको नहीं मिलता है। गुड लॉक आप हालांकि इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन इसके जो मॉड्यूल्स हैं आप उन्हें इंस्टॉल नहीं कर सकते, कोई भी मॉड्यूल, फिर चाहे क्लॉक फेस हो या फिर जो जो भी हो, क्लॉक फेस भी अब यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता। तो दोस्तों ऐसे कुछ चीजें हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे नोटिफिकेशन बार यहाँ पे चेंज हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसके अलावा बात करेंगे सेटिंग्स मेन्यू की, तो सेटिंग्स आप यहाँ पे देख सकते हो चेंज हो चुका है। इसके अलावा आपको डबल टैप टू ऑफ और डबल टैप टू ऑन का जो सपोर्ट है, वो भी यहाँ पे मिल जाता है अभी। तो दोस्तों मैं यहाँ पे 2 घंटे से ज्यादा समय के लिए अपने फोन को कंटिन्यूसली यूज कर रहा हूँ। मुझे कोई भी बैटरी ड्रेनिंग इशू या हीटिंग इशू का सामना नहीं करना पड़ रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इतने सारे यहाँ पे नए फीचर्स बताए गए हैं, इतने सारे नए फीचर्स ऐड किए गए हैं। तो इसके लिए भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा, जिसमें 60 से भी ज्यादा इसमें नए फीचर्स आपको मिल जाते हैं। और कौन कौन से वो नए फीचर्स हैं जो आपको इस अपडेट के बाद मिल जाते हैं, मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। और अगर आप अपडेट साइज की बात करोगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2211, मतलब करीबन 2.2 GB की जो अपडेट है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पे अपडेट मिल जाती है। तो जो कोर था वो अभी यहाँ पे कोर ही है, अभी इसमें फुल वन यूआई का सपोर्ट नहीं दिया है। दोस्तों मुझे तो पता था कि शायद ये वन यूआई फुल तो नहीं देंगे, लेकिन मैं आशा कर रहा था कि ये शायद सैमसंग पे और 4G+ का सपोर्ट तो दे ही देंगे, लेकिन इन्होंने इतना भी नहीं किया। सैमसंग पे का भी सपोर्ट नहीं दिया और 4G+ को भी इन्होंने अभी तक इनेबल नहीं किया। हालांकि जो ब्राइटनेस इश्यू थी, ऑटो ब्राइटनेस इश्यू, हालांकि मुझे लगता है वो सोल्व की गई है। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो दोस्तों बने रहिए चैनल पे, छोटी से छोटी चीज उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कल के वीडियो में। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में, अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें पूछ सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।